सादर प्रणाम दोस्तों। दोस्तों इस समय हम अयोध्या जंक्शन स्टेशन पे हैं और जो कि हम लोग राम मंदिर चलेंगे वहाँ के लिए हम लोग आए हैं, प्रयागराज से राम मंदिर जाने के लिए आए हैं और अभी ट्रेन से उतरे हैं और अभी यहीं अयोध्या जंक्शन पे हैं। तो हम आपको आज के वीडियो में दोस्तों अयोध्या जंक्शन का पूरा भ्रमण कराऊंगा और दिखाऊंगा कि अयोध्या जंक्शन पहले कैसे था और अब कैसे बन रहा है, सारी चीज़ें दिखाऊंगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोग राम मंदिर जाना चाहते हैं अयोध्या के और या जहाँ पे पत्थर तराशे जा रहे हैं वहाँ जाना चाहते हैं अयोध्या में, तो आप लोग अयोध्या कैंट ना उतरें, क्योंकि अयोध्या कैंट अगर उतरते हैं तो वहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पड़ जा रहा है। अगर जिसकी सुविधा हो तो उतर सकता है और नहीं तो आप लोग अयोध्या जंक्शन उतरिए। यहाँ से मंदिर 1 किलोमीटर है और यहाँ से ई रिक्शा या ऑटो मिलती है, 10 रुपये लगता है मंदिर तक का। तो दोस्तों अभी हम लोग 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे हैं और पीछे आप लोग देख सकते हैं ये अयोध्या का ये स्टेशन बन रहा है और इसका नक्काशी भी राम मंदिर जैसा किया जा रहा है, जिसकी पहचान भी राम मंदिर से हो, इस वजह से इसका स्टेशन भी राम मंदिर जैसे बनाया जा रहा है, पत्थरों से बनाया जा रहा है। तो अभी हम लोग 1 नंबर पे प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आइए दोस्तों चलते हैं, दिखाते हैं आप सबको। और कुछ काम भी हो रहा है और दिखाएंगे कि यहाँ पे जो ये भव्य स्टेशन बन रहा है, इसका प्लेटफॉर्म यानी कि जहाँ पे टिकट काउंटर वगैरह भव्य नए तरीके से बनाया जा रहा है, उसको दिखाते हुए चलेंगे, जहाँ तक अलाउ होगा दिखाएंगे। और आइए दिखाते हैं दोस्तों काम किधर हो रहा है, कैसा और क्या है। तो और बाकी आखिर में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप लोग राम मंदिर जाना चाह रहे हैं तो आप लोग अयोध्या जंक्शन उतरें तो यहाँ से आपको सुविधाजनक होगी। और जैसे यहाँ अयोध्या राम मंदिर जाने के बाद आप लोग जनक महल, दशरथ महल ये सब घूम सकते हैं जो कि आसी पास में। आइए दोस्तों चलते हैं, अयोध्या जंक्शन का पूरा भ्रमण कराते हैं। तो दोस्तों आइए फिर चलते हैं और आप लोग आगे देखिए, वहाँ पे मेन अंदर एंट्री गेट है और आउट गेट है वहाँ से आगे से वहाँ से, और ये जो नया वाला बनाया जा रहा है ये देख सकते हैं ये। और आप लोग अगर इधर जाएंगे तो आप लोग अयोध्या कैंट चले जाएंगे, प्रयागराज चले जाएंगे। ऐसे इधर से हम लोग प्रयागराज की तरफ से आए हैं, तो अभी हम लोग यहीं पे उतरे हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पे ये जो स्टेशन पे बनाया जा रहा है, स्टेशन को सुंदरीकरण किया जा रहा है। देखिए अभी आप लोग देखिए कितना बेहतरीन खिड़की वगैरह सब बनाए जा रहे हैं, गेट भी बनाया जा रहा है, लगभग 14 गेट भी बने हुए हैं। और यहाँ पे बाहर में जो काम हो रहा है, पार्किंग वगैरह बन रही है, उसको भी दिखाते हैं आप सबको। आइए दिखा देते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ पे पार्किंग वगैरह सब बन रहा है ये सब, और आने जाने का मार्ग भी बन रहा है जिससे इधर से भी गाड़ी आ जाए। यहाँ इधर भी पार्किंग है और उधर भी पार्किंग है और उस तरफ भी पार्किंग है, उसको भी दिखाएंगे आपको। और यहाँ पे सुविधाएं की बात करें तो यहाँ पे डस्टबिन वगैरह सब है जिससे कचरा वगैरह ना फैले गंदगी, और पानी पीने की भी, स्वच्छ पानी की भी व्यवस्था है यहाँ पे। आइए दोस्तों चलते हैं, देखिए ये राम मंदिर जैसा ये प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ दिनों में उद्घाटन इसका होने वाला है, देखिए 14 एंट्री गेट नंबर 14 है ये, और सब में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, लैस है कैमरे से ये सब। और ये एयरपोर्ट के तर्ज पे बनाया जा रहा है, देखिए उस तरफ भी मंदिर जैसा नक्काशी किया गया है, सामने उस तरफ और इस तरफ भी था। और आइए इसके पत्थरों को दिखा देते हैं, जो पत्थर यूज किए जा रहे हैं राम मंदिर में उसी टाइप का पत्थर ये भी है, बलुए मलाईदार पत्थर लग रहा है ये, देखिए बहुत बेहतरीन पत्थर है। ये देखिए खिड़की, देखिए खिड़की इसका कितना बढ़िया बनाया गया है दोस्तों, ये बहुत ही भव्य स्टेशन होने वाला है अयोध्या का, अयोध्या जंक्शन का। और दोस्तों यहाँ से गाड़ियाँ धनबाद की गाड़ियाँ मिलती हैं, बस्ती की मिलती हैं, फिरोजपुर कैंट की मिलती हैं, और दुर्ग रायपुर की भी गाड़ियाँ यहाँ से मिल जाती हैं, प्रयागराज के लिए भी गाड़ियाँ मिल जाती हैं यहाँ से। और जो कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर। और दोस्तों देखिए यही हम बात कर रहे थे, एयरपोर्ट की तर्ज पर ये बना हुआ है, देख सकते हैं, देखिए जैसे एयरपोर्ट पर रहता है, पूरा कांच का एंट्री गेट है, इधर है उधर है,
में आया है। 13 नंबर एंट्री गेट, 12 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर देख सकते हैं। और जो कि गाड़ियों का अलाउंस हो रहा है दोस्तों, संगम एक्सप्रेस ये देख सकते हैं। उधर देखिए 2 नंबर प्लेटफॉर्म और 3 नंबर प्लेटफॉर्म उस तरफ है। देख सकते हैं पानियों की व्यवस्था है। और दोस्तों अयोध्या में हमने एक चीज देखा, यहाँ पे बंदर बहुत ज्यादा हैं, बहुत ही ज्यादा संख्या में बंदर है। चाहे जहाँ आप जाएंगे बंदर ही आपको दिखाई देंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा देते हैं उस तरफ, शायद आपको दिखे, देखिए कितना खाली प्लेस है अंदर। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, टिकट काउंटर वगैरह सब कुछ है, एकदम एयरपोर्ट जैसे बनाया जा रहा है दोस्तों। बहुत ही सुंदर स्टेशन बनाया जा रहा है जंक्शन को, ऐसा जंक्शन हम अभी नहीं देखे हैं। और जैसे कि अभी तो बने हैं एमपी वगैरह में भी कुछ जंक्शन का पीएम ने उद्घाटन किया है एयरपोर्ट की तर्ज पर, और जो कि यूपी में यही है हमारे अयोध्या का जंक्शन जो पीएम जी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री जी। और यह उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है यह जंक्शन, और 8 नंबर गेट और 7 नंबर गेट दोस्तों सामने। ये देख सकते हैं, और देखिए उधर काफी पैसेंजर यहाँ पे हैं। और यहाँ से प्रयागराज संगम के लिए यानी कि दारागंज के लिए भी गाड़ियाँ मिलती हैं। और दोस्तों आप देखिए इधर बैठने के लिए व्यवस्था काफ़ी है उस तरफ है। और दोस्तों अब बाहर चलेंगे यहाँ से, आपको हम दिखाएंगे अब पुराना वाला दिखाएंगे आपको, देखिए पुराना वाला कैसे बना है, पुराना वाला प्लेटफार्म जो स्टाफ रूम वगैरह बने हैं पुराने वाले उसको भी दिखाते हैं। और ऊपर उधर रैंप उस तरफ जाने के लिए 2 नंबर 3 नंबर जाने के लिए रैंप उधर बने हैं, देखिए सब। और यहाँ से बाहर जाने का मार्ग है, देखिए पुराना वाला इस प्रकार से बना था और नया आपको भी मैं दिखाया हूँ। और हम लोग बाहर चल रहे हैं, देखिए इधर भी लोग बैठते हैं और यहाँ पे बैग वगैरह चेकिंग होता है। और यहाँ टिकट काउंटर है, देखिए अब हम लोग बाहर आ गए हैं। इधर भी टिकट मिलते हैं, नॉर्मल टिकट भी मिलते हैं, रिजर्वेशन भी। और दोस्तों बनाया इस प्रकार से गया है, इधर से भी आप चढ़ के वहाँ जा सकते हैं और इधर से निकल सकते हैं। और यहाँ से ऑटो वगैरह मिलते रहते हैं राम मंदिर जाने के लिए, 10 रुपये लगता है अभी प्रेजेंट में। और आगे उधर पार्किंग है, उधर वाहन पार्किंग है, आप लोग वाहन खड़ा कर सकते हैं। देखिए इधर यही मार्ग जाएगा, 1 किलोमीटर राम मंदिर है दोस्तों, देखिए ई रिक्शा लगा रहता है। और ये देखिए सुविधाएं, एंट्रेंस इंक्वायरी बुकिंग ऑफिस रिजर्वेशन सुलभ टॉयलेट ये सब सुविधाएं हैं इसमें लिखे गए हैं। और देखिए कितना अच्छा बनाया जा रहा है जंक्शन को, देखिए एयरपोर्ट की तरफ सब पत्थरों से बन रहा है दोस्तों, देखिए देख सकते हैं। और दोस्तों देखिए उधर उधर से भी रोड बन रहा है जो कि बंद है अभी प्रेजेंट में, जो कि यहाँ पे अभी निर्माण कार्य चल रहा है बहुत तेज। देखिए इधर से ये बन जाएगा, ये वाला मार्ग कनेक्ट कर देंगे, इधर से भी आप लोग जा सकते हैं, वहाँ पे काम चल रहा है। और बन जाएगा तो कितना खूबसूरत लगेगा, उधर भी मंदिर आकार वहाँ पे गुंबद आकार बनाया जा रहा है। तो दोस्तों आपको अयोध्या जंक्शन का मैं वीडियो दिखा दिया पूरा जितना हमसे हो सका। और इधर से देख लीजिए इसको बैक साइड से कैसे दिखता है ये, अब हम एंट्री करेंगे अंदर देखिए। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।